हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BGMI के एक नई वीडियो में। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि Xiaomi Pad 6 और iPad 9 में से आप लोग के लिए क्या सही रहेगा। गेमिंग के लिए अगर लेना है तो Xiaomi Pad 6 सही रहेगा या iPad 9 सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को सभी चीज़ बताऊंगा। कुछ पॉइंट मैंने लिख के रखे हैं, तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। प्राइस की बात कर लेते हैं, Xiaomi Pad 6 कितने में मिलेगा और iPad 9 कितने में। Xiaomi Pad 6 अपने को 27,000 में मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे, और iPad 9 अपने को 30,000+ में मिलेगा। लेकिन फ्लिपकार्ट ऑफर से अगर लेंगे, मैंने फ्लिपकार्ट ऑफर से लिया था 26,000 में, और अगर अपने पास क्रेडिट कार्ड होता तो और सस्ते में मिल जाता, 20K तक तो मिल ही जाता। और Xiaomi Pad का फ्लिपकार्ट पे ऑफर तो पता नहीं कितने तक का ऑफर मिलता है। तो अगर आप लोग ने Xiaomi Pad से अगर फ्लिपकार्ट ऑफर से लिया है तो बताना आप लोग ने कितने तक का लिया है। तो सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है अपना स्टोरेज के बारे में। तो Xiaomi Pad 6 का स्टोरेज है 8256 GB और iPad 9 का 364 GB। अगर बात करेंगे 27,000 का, तो Xiaomi Pad में अपने को 8 GB 256 GB तक मिल जाएगा, और वहीं iPad 9 में अपने को 3 GB 64 GB मिल जाएगा। तो Xiaomi Pad में 256 GB है, तो स्टोरेज का तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा अपने को एक टाइप से। iPad में सिर्फ 64 GB होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है एज ए कंटेंट क्रिएटर, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट है बैटरी लाइफ। तो Xiaomi Pad 6 का बैटरी लाइफ है 8840 mAh, और वहीं iPad 9 में 8500+ mAh बैटरी है। Xiaomi Pad में अपने को कुछ ज़्यादा ही अच्छा बैटरी मिल जाता है। वैसे दोनों का बैटरी बहुत ज़्यादा है, 8500 iPad 9 में है और 8800 Xiaomi Pad 6 में। तो बैटरी का तो कोई इशू नहीं है, बैटरी का तो जितना अपने को गेम खेलना है मज़े से खेल सकते हैं, 6-7 घंटे तो आराम से खेल लेंगे 8000 बैटरी में, चार्जिंग उतना ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन Xiaomi Pad 6 में 8800 है, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा बैटरी के हिसाब से। iPad 9 में तो 8500 है, थोड़ा सा कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेसर। Xiaomi Pad में अपने को स्नैपड्रैगन 870 मिल जाता है, 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर होता है, और iPad में अपने को 813 बायोनिक चिप मिल जाता है, उसमें भी 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर होता है। तो यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर दोनों में अपने को लगभग सेम ही अपने को मिल जाएगा प्रोसेसर। अपने को गेमिंग परफॉर्मेंस में ज़्यादा कुछ ऊपर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों का प्रोसेसर ही बहुत अच्छा है, बहुत ही तगड़ा है। दोनों ही अपने को आराम से गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देंगे, आराम से गेमिंग। हॉट ड्रॉप में उतरेंगे तो भी लैग नहीं होगा, और फ्रेम ड्रॉप होगा तो उतना भी नहीं होगा। तो Xiaomi Pad का स्नैपड्रैगन 870 वो भी बहुत अच्छा है गेमिंग के लिए, और iPad 9 में 813 बायोनिक चिप है, तो ये भी सही है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो अपने को iPad 9 में 3.5mm जैक देखने को मिलता है, जो कि Xiaomi Pad में नहीं मिलेगा। iPad 9 में अपने को एयरफोन का सपोर्ट मिल जाता है, एयरफोन लगाने का, तो ये थोड़ा अच्छा है कि iPad 9 में अपने को एयरफोन लगाने का मिल जाता है। और Xiaomi Pad में भी अगर रहता है एयरफोन लगाने का तो सही रहता, लेकिन कोई नहीं, ब्लूटूथ तो है ही है, ब्लूटूथ कनेक्ट करके एयरफोन गेम वेम खेल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा iPad 9 के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बेजल। iPad 9 में अपने को बहुत ज़्यादा बड़ा बेजल देखने को मिल जाता है, लेकिन Xiaomi Pad 6 में उतना बेजल का प्रॉब्लम ही नहीं होगा, पतला सा बेजल है। iPad 9 में बेजल बड़ा होने की वजह से जॉयस्टिक को बाजू में रखना पड़ता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बड़ा बेजल है तो थोड़ा 1-2 महीने के लिए प्रॉब्लम होगा, फिर बाद में नॉर्मल हो जाएगा। तो iPad 9 में ये है कि थोड़ा बेजल को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, 2-3 महीने बाद तो आराम से अपने को प्रैक्टिस हो ही जाएगा जॉयस्टिक का ये सब का। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्प्ले के बारे में है। तो Xiaomi Pad 6 में अपने को 144Hz का डिस्प्ले मिल जाता है, उसमें अगर अपने को 90fps खेलना है तो GFX टूल लगा के खेल सकते हैं, और वहीं iPad 9 में अपने को ओनली 60Hz का सपोर्ट मिलता है, डिस्प्ले सपोर्ट मिलता है, जो कि BGMI में अपने को सिर्फ 60fps प्रोवाइड करता है। वैसे Xiaomi Pad 6 में भी 60fps ही चलता है, एक्सट्रीम पे ही चलता है, लेकिन GFX टूल लगाएंगे तो 90fps तक चल जाएगा। तो ये थोड़ा है कि iPad में सिर्फ 60Hz होने की वजह से अपने को 60fps सपोर्ट मिलता है। अगर 90Hz होता तो 90fps मिल जाता, आराम से अपने को अनलॉक करके दे देता iPad ने। और नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं चार्जिंग की तरफ। चार्जिंग अपने को Xiaomi Pad 6 में 33W का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, और वहीं अपने को iPad 9 में सिर्फ 20W का चार्जर मिलता है। अपने को चार्जिंग करने में 2-3 आवर लग जाते हैं iPad 9 को फुल चार्जिंग करने में, और अगर Xiaomi Pad 6 का बात करें तो 1-1.5 घंटे तक आराम से अपना 100% चार्ज हो जाएगा Xiaomi Pad 6 में। तो ये थोड़ा है कि चार्जिंग को लेके Xiaomi Pad 6 थोड़ा सही रहेगा, जिसको गेमिंग करना है उनके लिए तो चार्जिंग की फास्ट थोड़ा सही रहेगा। तो ये थोड़ा सही है कि फास्ट चार्ज हो जाता है, आराम से चार्जिंग लगा के कुछ भी करो। लेकिन कोई नहीं, iPad 9 में 20V है तो भी कोई नहीं, 2-3 आवर लगते चार्जिंग करने में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि स्पीकर है दोनों का।
Xiaomi Pad 6 में अपने को क्वाड स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। क्वाड स्पीकर यानी कि चारों साइड अपने को स्पीकर मिल जाते हैं, और वहीं iPad 9 में अपने को डुअल स्पीकर मिलता है, ओनली एक ही साइड स्पीकर रहेगा दो। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि iPad 9 में थोड़ा डिसएडवांटेज होगा, जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हम लोग कहीं से डाउनलोड नहीं कर सकते। iPad और iPhone में प्राइवेसी को लेकर थोड़ा है कि डाउनलोड कुछ मूवी फाइल या एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते, और वहीं Xiaomi में अपने को कुछ भी करना है, मूवी एप्लीकेशन कुछ भी करना है, कहीं से भी डाउनलोड करना है थर्ड पार्टी ऐप से, आराम से डाउनलोड हो जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन iPad 9 में रिस्ट्रिक्शन लेके, सिक्योरिटी को लेके, प्राइवेसी को लेके ये थोड़ा होता है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं कर सकते डाउनलोड, लेकिन कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिलहाल बात करते हैं अपने को गेमिंग के लिए क्या लेना चाहिए, जिनको गेमिंग करना है और जिनको कंटेंट क्रिएशन करना है, गेमिंग करना है, और जिनको सिर्फ नॉर्मल गेमिंग करना है, कुछ मूवी सब देखना है या कुछ भी करना है, नॉर्मल गेमिंग करना है, ज़्यादा हार्ड गेमिंग नहीं करना है। तो देखो दोस्तों, अपने को नॉर्मल गेमिंग के लिए तो Xiaomi Pad 6 ही सही रहेगा, क्योंकि आराम से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मूवी देखना रहेगा तो मूवी देख सकते हैं, पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, कुछ भी कर सकते हैं। तो Xiaomi Pad 6 में थोड़ा ये एडवांटेज की बात है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से मूवी देखना है मूवी देख सकते हैं, फाइल डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो ये कर सकते हैं। लेकिन iPad में ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, अपने को नहीं होता, तो iPad में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, लेकिन कोई नहीं। और बात करते हैं जिनको सिर्फ गेमिंग से मतलब है, सिर्फ गेमिंग चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, जो कि आराम से गेमिंग भी कर सके, कंटेंट क्रिएशन भी कर सके, तो उनके लिए iPad 9 थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। iPad 9 में अगर तुम रिकॉर्डिंग भी करोगे, रिकॉर्डिंग करके भी खेलोगे, तो भी रिकॉर्डिंग का तो तुमको पता ही नहीं चलेगा, सुपर स्मूथ रिकॉर्डिंग होगा, थोड़ा भी पता नहीं चलेगा कि रिकॉर्डिंग हो रहा है ऐसा करके। तो ये थोड़ा एडवांटेज की बात है कि आराम से तुम रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कुछ लैग वैग नहीं होगा। लैग होगा तो BGMI की तरफ से लैग होगा, क्योंकि BGMI का ऑप्टिमाइजेशन ही उतना अच्छा नहीं है, वो लोग ठीक ही नहीं करते, वो लोग को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, अपडेट लाना चाहिए, अच्छा लो डिवाइस के लिए तो लाना ही चाहिए। अपना iPad में इतना लैग होता है तो लो डिवाइस का तो बहुत ही ज़्यादा लैग होता होगा, लो डिवाइस में तो खेल ही नहीं सकते एक टाइप से, ऐसा हो गया आज के टाइम पर। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम का बात हो जाता है, BGMI वाले को ऑप्टिमाइज पर ध्यान देना चाहिए। तो यकीन है दोस्तों आप लोग को पूरा जानकारी मिल गया होगा, क्या क्या लेना है, क्या नहीं, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कहूँ तो सिर्फ नॉर्मल गेमिंग के लिए, बाकी ऑलराउंडर के लिए आप लोगों के लिए Xiaomi Pad 6 सिर्फ बेस्ट रहेगा, और सिर्फ अगर गेमिंग करना है, कंटेंट क्रिएशन बनाना है, तो आप लोगों के लिए iPad 9 थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी चल जाएगा। और Xiaomi Pad का प्राइस तो Flipkart में पता नहीं ऑफर में कितने तक का मिलेगा, लेकिन iPad 9 का ऑफर में आप लोग को 26 के तक मिल जाएगा, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 20K से 22 तक मिल जाएगा आराम से। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलूंगा मैं आप लोग से ऐसे किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।